हेलो दोस्तों, तो आज हम फाइन सेविंग के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इससे पहले हम कोर सेविंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो फाइन सेविंग जो रहता है हमारा, किसके लिए होता था? सैंड के लिए होता था। और सैंड का जो साइज का जो रेंज था वो क्या था? 75 माइक्रोन से 4.75 mm तक था हमारा सैंड का रेंज। और ये हमारा सैंड के लिए यूज होता है। कोर सेविंग हमारा किसके लिए यूज होता था? ग्रेवल के लिए यूज होता था। और हमारा जो फाइन सेविंग था और कोर सेविंग था, ये दोनों ही हम किसके लिए करते हैं? कोर्स टाइप के एग्रीगेट्स के लिए करते हैं। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं फाइन सेविंग। यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था कि फाइन सेविंग का मतलब ये नहीं है कि ये फाइन एग्रीगेट के लिए करें। फाइन सेविंग का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन कोर्स में भी किस एग्रीगेट के लिए करते हैं? सैंड के लिए करते हैं। जो हमारा कोर्स सेविंग रहता है वो हम ग्रेवल के लिए करते हैं, और फाइन सेविंग जो रहता है हम सैंड के लिए करते हैं। ठीक है, और जो हमारा फाइन एग्रीगेट्स रहते हैं लाइक सिल्ट एंड क्ले, उनके लिए हम दूसरा मेथड का यूज करते हैं। तो फाइन सेविंग किसके लिए सुटेबल है? फॉर द पार्टिकल साइज 75 माइक्रोन बट लेस देन 4.75 mm। ठीक है, 75 से 4.75 mm तक इसका रेंज होना चाहिए। मतलब कि ये हमारा कौन सा टाइप का पार्टिकल होना चाहिए? सैंड होना चाहिए। और इसमें क्या करते हैं हम, कौन कौन से सीव्स यूज करते हैं? ये सारे जो दिख रहे हैं आप, ये सारे सीव्स जो है हम फाइन सेविंग में यूज करते हैं। इसको कैसे याद रखना है ये भी मैं अभी आगे बताऊंगी आपको। और इसको हम कैसे अरेंज करते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, टॉप टू बॉटम। ठीक है, मतलब कि जो हमारा टॉप में रहेगा सबसे ज्यादा साइज वाला सीव रहेगा, मतलब कि हमारा 4.75 mm सबसे ऊपर रहेगा। और अब सबसे नीचे जो रहेगा हमारा 75 माइक्रॉन का रहेगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? क्ले, सिल्ट, डस्ट आर प्रेजेंट ओवर द सर्फेस ऑफ सैंडी पार्टिकल विच कैन बी रिमूव बाई वॉशिंग। देखिए, हमारा जो सैंड, ये किसके लिए यूज होता है? हमारे सैंड पार्टिकल्स के लिए यूज होता है। तो इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? पहले से ही डस्ट प्रेजेंट रहता है, या फिर क्ले या फिर सिल्ट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो फिर हमारा जो मेजरमेंट होगा वो गलत आ जाएगा। अगर हमारे सैंड में सिल्ट और क्ले प्रेजेंट है तो वो क्या कर जाएगा? पास कर जाएगा, जिससे कि हमारा क्या आएगा? रॉन्ग आएगा। ठीक है, जब हम इसको परफॉर्म करेंगे तो जो हमारा मेजरमेंट आएगा वो रॉन्ग आएगा। तो हमारा जो मेजरमेंट आए उसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा सैंडी पार्टिकल्स है उसको पहले हम वॉश करते हैं। क्यों वॉश करते हैं? क्योंकि उसके सरफेस पे क्ले और सिल्ट भी प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको पहले हम हटाएंगे, तभी हमारा जो मेजरमेंट रहेगा वो सही आएगा। तो यहाँ पे हम पहले इसको वॉश करते हैं, और वॉश करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? 2 ग्राम ऑफ सोडियम हेजा मैक्टा फॉस्फेट। ठीक है, 2 ग्राम ऑफ सोडियम हेजा मैक्टा फॉस्फेट हम यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैलगन भी बोलते हैं। इसको हम कैसे ऐड करते हैं? 1 लीटर ऑफ वाटर पे ये जो इतना 2 ग्राम ऑफ कैलगन को हम ऐड कर देंगे। और ये जो कैलगन है हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये एज ए डीफ्लॉक्यूटेंट एक्ट करता है। डीफ्लॉक्यूटेंट हमारा क्या होता है कि जो हमारा फ्लॉक्यूलेशन को प्रिवेंट करता है, रोकता है, वो हमारा क्या कहलाएगा? डीफ्लॉक्यूटेंट कहलाएगा। अब फ्लॉक्यूलेशन क्या है? फ्लॉक्यूलेशन क्या होता है कि जो जब भी हम सॉइल को क्या करेंगे, वाटर में डालेंगे, तो फिर क्या हो जाता है कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? आपस में अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के पास आते हैं, जिससे कि वो क्या फॉर्म करते हैं? फ्लॉक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये इस तरह से छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पास आके एक बड़ा पार्टिकल का फॉर्म करेगा, और ये क्या कहलाता है? हमारा फ्लॉक्स कहलाता है। तो इसको हमको प्रिवेंट करना रहता है। तो फिर हम वॉश करते टाइम क्या होगा कि जो हमारे क्ले और सिल्ट के जो पार्टिकल हैं वो पास में आएंगे, तो क्या करेंगे? इसी टाइप से फ्लॉक्स फॉर्म करेंगे। तो इसको हमको प्रिवेंट करना है, तो हम डीफ्लॉक्यूटेंट हम ऐड करते हैं। डीफ्लॉक्यूटेंट ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा कि इन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन था, तभी तो ये पास पास आ रहे थे ना। तो डीफ्लॉक्यूटेंट ऐड करने के बाद क्या हो जाता है कि ये जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में रिपल्शन प्रोड्यूस हो जाता है, तो जिससे क्या हो जाते हैं? दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो काम रहता है कैलगन का होता है। 2 ग्राम ऑफ कैलगन ऐड करते हैं 1 लीटर ऑफ वाटर में टू प्रिवेंट फ्लॉक्यूलेशन। ठीक है, जब हम वॉश करते हैं हमारा सैंड को तब। और ये फ्लॉक्यूलेशन किसके कारण होगा? जो हमारा क्ले या फिर सिल्ट प्रेजेंट है हमारे सॉइल में, उसके कारण से फ्लॉक्यूलेंट का फॉर्मेशन होगा जब हम सैंडी पार्टिकल्स को वॉश करेंगे तब। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा जो सीव एनालिसिस होता है, ये हम कैसे करते हैं? ये भी हम सिमिलर वे में करते हैं, जैसे कि हम कोर्स सीविंग करते थे, वैसे ही हम यहाँ पे फाइन सीविंग भी करेंगे। और इसके लिए हमारा जो मैक्सिमम जो सीव साइज रहता है वो 4.75 mm का रहता है, और मिनिमम जो सीव साइज रहता है वो 75 mm का रहता है। और इसको आप कैसे अरेंज करेंगे? यहाँ पे देखिए, ये जो रहेगा हमारा, ये इसको आप हाफ ले लीजिए, लगभग क्या हाफ है, फिर से ये क्या होगा? हाफ हो रहा है। ये हमारा क्या है? एक्स्ट्रा है। ठीक है, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, और इसके बाद फिर से ये हमारा क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है। हाफ कितना हो जाएगा? 500 होता है,
वन का हाफ कितना हो जाएगा, 500 होगा, तो फिर इसको हम क्या लेंगे, अप्रॉक्स 600 मान लीजिए, और ये हमारा क्या है एक्स्ट्रा आ जाता है बीच में 425 का, फिर इसका हाफ है यहाँ पे 300, इसका हाफ है 150, ठीक है, यहाँ पे 150 और इसका हाफ है 75। इसमें दो जो सीव साइज है यहाँ पे एक्स्ट्रा है, 425 और 212 माइक्रोन, ये दोनों सीव साइज हमारे क्या है एक्स्ट्रा है। तो इस तरह से जो हमारा फाइन सेविंग रहता है उसमें ये सारे जो सीव साइज हैं ये यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा कोर सेविंग होता है और फाइन सेविंग रहता है दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सीव का जो साइज है वो वेरी करता है। वहां पे 75 माइक्रोन से 80 mm तक का हमारा साइज आता है और यहाँ पे 4.75 mm से 75 माइक्रोन तक का हमारा जो है साइज जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से बीच में हम सीव प्लेस करते हैं 2 mm, 4 mm, 600 माइक्रोन, जो दोनों का प्रोसीजर है बिल्कुल सेम रहता है। पहले हम यहाँ पे हमारा क्या रहता है, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, सबसे पहले हमारा बड़े साइज का सीव रहता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से हमारा सीविंग होता है। सीव का साइज का मतलब होता है कि उसके बीच में जो भी हमारे होल है जिससे कि हमारा पार्टिकल पास करेगा वो हमारा, तो ये हो गई हमारे फाइन सीविंग की बात।